कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर, डाउनलोड पगार खाता। मध्य प्रदेश में भी देश के बाकी हिस्सों की तरह ही वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में तो उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन समस्या ये है कि वैक्सीनेशन केंद्र पर वैक्सीन सीमित संख्या में मौजूद है और इसीलिए लोगों को कई बार निराश होकर के जाना पड़ रहा है। दूसरी समस्या यह है कि वैक्सीनेशन केंद्रों पर जब लोग पहुंच रहे हैं तो वहां पर कोई खास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है जिससे वो कोरोना से खुद को बचा सके। एक तरीके से देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां पूरी तरीके से वैक्सीनेशन केंद्रों पर उड़ रही हैं। हम भोपाल के एक वीआईपी इलाके में इस वक्त मौजूद है जहां पर ये वैक्सीनेशन सेंटर बना है। सुबह से ही लोग यहां पर वैक्सीन लगवाने तो पहुंच गए, लेकिन समस्या ये है कि उन्हें फिलहाल वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर इसी तरीके से रोड पे खड़ा रखा गया है, और क्योंकि यहां पे कोई इंतजाम यहां पे है नहीं ऐसे कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़े या फिर कोई सर्कल यहां बनाए गए हों या कोई पुलिस की ऐसी व्यवस्था हो जहां पे इन्हें समझाया जाए। और इसीलिए अगर आप तस्वीरों में देखो तो रोड पे जो चलती हुई सड़क है वहीं पर इन लोगों को खड़ा रख दिया गया है इस चिलचिलाती हुई गर्मी में, इस धूप में। हम लोगों से बात करते हैं कि सर ये बताएं, आपको लगता है कि यहाँ पे और बेहतर व्यवस्था हो सकती है? बिल्कुल हो सकती थी साहब, बुजुर्ग हैं, लेडीज़ हैं, सब धूप में खड़े हुए हैं। थोड़ा सा अगर व्यवस्था अंदर कर देते, कोई शेड बना देते तो बहुत अच्छा रहता। उसके अलावा कहीं किसी प्रकार के व्यवस्था कुछ ऐसी भी कर सकते थे, पानी रख सकते थे या कुछ व्यवस्था। जी आप बताएं, आप स्लॉट भी दिया है 9 बजे से लेके 1 बजे तक का स्लॉट भी दिया है, 9 से लेके 11 बजे तक। अंदर एंट्री नहीं दे रहे जबकि ताला लगा के रखा हुआ है, अंदर जगह भी तो स्पेस भी तो पड़ा हुआ है ना, अंदर एंट्री देना चाहिए इनको। ये देखिए, ये तमाम लोग हैं, इनका कहना है कि या एक तो एंट्री भी नहीं मिल रही है और दूसरी जगह इन्हें सड़क पे इसी तरीके से खड़ा रख दिया गया है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंची हुई हैं, अगर आप देखें, क्योंकि यहाँ पे 45 प्लस से ऊपर जो तमाम लोग हैं उनको वैक्सीन लगनी है, पहला डोज उन्हें लगना है, दूसरा डोज उन्हें लगना है। महिलाएं भी जो धूप में खड़ी हैं उनसे भी हम बात करते हैं। जी मैम, आप बताएं, आपको पहला डोज या दूसरा डोज, और क्या लगता है आपको यहाँ पे अरेंजमेंट? सेकेंड डोज है मेरा आज, पर अरेंजमेंट थोड़ी ठीक नहीं है, लोग धूप में खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है और पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा है। कई बुज़ुर्ग लोग भी खड़े हैं, उनके लिए थोड़ी कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए कि ताकि वो बैठ सकें, तो व्यवस्थाओं से हम संतुष्ट नहीं है। तमाम लोग हैं, अगर देखिए आप लंबी लाइन यहाँ पे लोगों की लगी हुई है सुबह से ही, लेकिन अब आपको बताएं कि दो समस्याएं सामने आ रही है। पहला तो ये है कि वैक्सीनेशन केंद्रों पर अलग से कोई इंतजाम इन लोगों के लिए नहीं है। अगर आप देखें तो इस पूरी लाइन में कई सीनियर सिटीजन भी हैं जो खड़े हुए हैं इसी बाहर सड़क पे धूप में, महिलाएं भी हैं। अब दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि इस वैक्सीनेशन सेंटर पर केवल 500 वैक्सीन उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में जो वैक्सीनेशन की स्थिति है, वैक्सीन की उपलब्धता है, वो बेहद सीमित है, और इसीलिए हर वैक्सीनेशन सेंटर पर 300 से लेके 500 तक वैक्सीन जो है वो उपलब्ध कराए गए हैं। और उस बीच क्या स्थिति होती है हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। देखिए लोग जो पहुंच रहे हैं वो लगातार लोग स्वास्थ्य कर्मियों से पूछते रहते हैं क्या व्यवस्था है, और लोगों की बहस भी होती है स्वास्थ्य कर्मियों से। यह आप स्थिति देख सकते हैं, वैक्सीनेशन केंद्र की है, सुबह का वक्त है, 500 वैक्सीन फिलहाल इस सेंटर पर उपलब्ध है। जिनका एनरोलमेंट है, जिनका स्लॉट बुकिंग है, उन्हें अंदर भेज दिया गया है। कई ऐसे लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो फिलहाल बाहर खड़े हैं, और ये अफरा तफरी की स्थिति एक तरीके से अगर देखा जाए तो वैक्सीनेशन केंद्रों पर बनी हुई है, क्योंकि लोग तो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लेकिन वैक्सीन सीमित संख्या में उपलब्ध है वैक्सीनेशन केंद्रों पर।